26 मई रविवार को जाजपुर में सब्जी मंडियों व फ्रूट मंडियों की शिफ्टिंग को लेकर व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर सभी व्यापारी प्रशासन द्वारा मांग नहीं माने जाने पर नगर के बस स्टैंड, मुख्य द्वार, भंवर कला गेट के बाहर स्थायी धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक धरने से नहीं उठेंगे, ऐसा उनका कहना है। और आज भी सब्जी मंडियां पूर्ण रूप से बंद रहेगी। नहीं कोई छूटकर व्यापारी सब्जी बेचने के लिए नगर में गया, इससे आमजन को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने अपने घरों में कुछ दिन की सब्जियां व फ्रूट खरीद कर रख लिए हैं, लेकिन जो आम इंसान है वह रोज कमाता है और रोज खाता है, उसको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बंद को आज लगातार तीसरा दिन है और आगे भी बंद की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। और इतनी तेज धूप के अंदर सब्जी व्यापारी धरने पर बैठे हैं, उनसे भी प्रशासन को आकर मिलना चाहिए, ताकि पता चल सके आखिर उनकी क्या मांग है। फ्रूट व्यापारी व खटिक समाज के अध्यक्ष रामदेव खटिक ने बताया कि हम बिल्कुल जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं। नगर पालिका के पीछे जो जगह हमें दी जा रही है वो किसी के लिए अच्छी नहीं है, वहाँ गंदगी की जगह है। ऐसे में आमजन परेशान है, उनको राहत पहुँचाने की कोशिश करें, अन्यथा ये धरना इसी तरह लगातार चलता रहेगा। इस दौरान धरना स्थल पर रामदेव खटीक, किशन खटीक, बाल किशन खटीक, साहिल खान, पीरू मोहम्मद, शफीक रंगरेज, प्रकाश माली, मुकेश माली, किशन माली, बाबू खटीक, फुंदीलाल, पुका कीर आदि इससे संबंधित सभी व्यापारी मौजूद रहे। जाजपुर से संवाददाता मुबारक साय की रिपोर्ट।